आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कौशिक, हरियाणा से हूं मैं और स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस परिचालक के पद पर कार्यरत हूं और अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मचारी महासंघ में वित्त सचिव का कार्यभार मेरे को दिया गया है। सर, मेरा कहना ये है, नई कंपनी आने पर नए कर्मचारियों को रख लिया जाता है और कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने तन मन धन से सेवाएं दी हैं एम्बुलेंस सेवा वालों ने, तो उनको कई स्टेटों में निकाल दिया गया है। कृपया उनको सहानुभूति अनुसार और जो कोरोना योद्धाओं का उनको सम्मान दिया गया था उसके अनुसार उनकी नौकरी उनको वापस की जाए, उनका सह सम्मान उनको दोबारा नौकरी से रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग में जो भी कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, नौकरी से जिनको वंचित किया गया है उनको दोबारा नौकरी दी जाए। मेरा इतना कहना सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम शीतल करोल, आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश जिला शिमला में निवास करती हूँ। माननीय, मेरा आपसे एक ही प्रश्न रहेगा कि आपके द्वारा भी आपके उद्बोधन में कई स्कीमों के बारे में चर्चा की गई जिसके बारे में पहले से भी जानते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब भी कोई स्कीम आती है या कोई भी रूल्स बनते हैं, जैसे अभी लेबर कोड में भी आया, फ्लोर वेज का आ रहा है, मिनिमम वेज का आ रहा है, हम इन सभी सुविधाओं से बाहर रह जाते हैं क्योंकि अभी तक प्रशासनिक ढांचे में हमारी कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। जब हमें सुविधा देने का टाइम आता है तो हम सोशल वर्कर हो जाते हैं, जब काम लेने का टाइम आता है तो हम एक रेगुलर इम्प्लॉई से भी ज्यादा काम करते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे इतना रहेगा कि हमें मजदूर की कैटेगरी में कम से कम कब ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी जैसे आयुष्मान है, आयुष्मान से भी हमें बाहर रखा गया है, जबकि हमें जब हायर किया जाता है राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा तो हमसे लो इनकम सर्टिफिकेट लिया जाता है, मतलब हम बिलो पावर्टी लाइन है जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो आयुष्मान से बाहर क्यों रखा गया हम लोगों को? अभी फ्लोर वेज है, फ्लोर वेज में भी लेबर के लिए लॉ बनेगा, उसमें आंगनवाड़ी को और जितनी भी स्कीम वर्कर है बाहर रखा गया। आप कुछ इस तरह से कीजिए, कम से कम इन चीजों में तो हमारे को इंक्लूड कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।